मांगा कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं सेवानिवृत्ति के अवधि तक सुरक्षित करने का, चाहे वो आउटसोर्सिंग है और चाहे वो HKRN के माध्यम से है, ऐसे सब कर्मचारियों को जिसका हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को सुरक्षित करने का निर्णय आज एक एक्ट के माध्यम से हमारी कैबिनेट ने लिया है। 5 साल और अधिक वर्ष काम करते हुए हो गए हैं, जो भी कर्मचारी 5 साल हो गए उन सबको इसका लाभ मिलेगा। आज ये झूठ फैलाने का प्रयास हुआ कि 1,20,000 कर्मचारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पक्का कर देगी, ऐसा एक झूठ बोला गया। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा झूठ बोला गया, क्योंकि अगर जो जो आज घोषणा हुई है अगर आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाहिए था नायब सिंह जी को कि HKRN को शुरू हुए कितने साल हुए। 2021 में HKRN योजना शुरू हुई और अगर आज तक भी देखें तो अगर कोई कर्मचारी पहले दिन से भी इस योजना में भर्ती हुआ होगा तो उसको 3 साल ज्यादा से ज्यादा हुए होंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जिन्होंने 5 साल पूरे कर लिए उनको हम सुनिश्चित कर देंगे, सुनिश्चित और पक्के के अंतर में तो बाद में आएंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 5 साल जिसको हो गए HKRN में लगे हुए उसको मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर देंगे। तो पहले तो मुख्यमंत्री जी, एक भी कर्मचारी पूरे हरियाणा में ऐसा है नहीं HKRN में जिसको 5 साल हो गए, और 2 साल बाद जब तक कोई भी कर्मचारी 5 साल पूरे करेगा तब तक आप सरकार से कोसों दूर होंगे।